जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यमहा ने लॉन्च कर दी है अपनी नई FGX और इसके 3 कलर वेरिएंट लॉन्च किया है। ये एक अलग सेगमेंट की बाइक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इसकी और MT-15 की कि इनमें आपको कौन से फीचर मिलते हैं, कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर है, किस सेगमेंट के बायर को ध्यान में रखते हुए दोनों बाइक्स बनाई गई हैं, इनके प्राइस, माइलेज, फीचर, स्पेक्स सब के बारे में बात करेंगे। और अगर आप इसकी EMI, डाउन पेमेंट और ऑन रोड प्राइस जानना चाहते हैं और आप हैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के, तो आप शक्ति ऑटो सेल्स में विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, तो कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए कमाल धमाल पे मिसाल वीडियो में। मेरा नाम है आप देख रहे हैं इंडिजेन्युइन ऑडियो यूट्यूब चैनल। तो सभी नेक्स्ट ब्लम क्या ये करते हैं प्रारंभ, सब्सक्राइब कीजिए इंडिजेन्युइन ऑटो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए, ऑल को ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोज मिस ना करने के लिए। दोस्तों काफ़ी इंतजार के बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपेरिजन इन्हीं दोनों बाइक्स का। तो आपके सामने है मेटालिक ब्लू कलर में FGX और उसी के बगल में है काफ़ी ज़्यादा शानदार बाइक, काफ़ी स्पोर्टी MT-15। तो आज इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे, किन बायर्स को ध्यान में रख के कौन सी बाइक बनाई गई है, आपको कौन सी परचेज़ करनी चाहिए और उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। तो जैसा कि आप पहले लुक्स और डिज़ाइन से देख सकते हैं, FGX जो है वो आपकी एक कम्प्लीट फ्रेश बाइक मिलती है। यहाँ पे जो इसका हेडलैम्प है वो राउंडेड मिलेगा, ऑल LED टेल लैम्प मिल जाती है इसमें, ऑल LED हेडलैम्प मिल जाएगी और जो हेडलैम्प है दोस्तों उसके ऊपर आपको DRS भी मिल जाता है राउंडेड का। पीछे इसके LED टेल लैम्प को देख सकते हैं, ये भी एक रिवाइज्ड और रिफ्रेशिंग LED टेल लैम्प का इस्तेमाल हुआ है। जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स हैं दोस्तों यहाँ पे बल्ब मिलते हैं, ग्रैब रेल आपको मिल जाएगी मेटालिक। दूसरी तरफ MT-15 का जो टेल लैम्प है वो भी LED ही है, पर यहाँ पे थोड़ा हाइयर सेट टेल लैम्प दिया गया है और थोड़ा ज़्यादा स्लीक और स्पोर्टी लगता है इसका टेल लैम्प। और अगर साइड से लुक की बात करूँ मैं MT-15 की, तो ये बाइक जो है स्ट्रीट स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, पर अगर आप इसकी लेंथ को देखेंगे तो काफ़ी कॉम्पैक्ट आपको बाइक ये लगने वाली है। और यहाँ MT-15 के टैंक के ऊपर आपको MT की ब्रांडिंग मिल जाएगी और यमहा का लोगो दिया हुआ है। ये जो कलर है दोस्तों ये वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और इसको कहता है आइस फ्लूओ वर्मिलन कलर, जहाँ पे जो अलॉय व्हील हैं वो ऑरेंज कलर के मिलते हैं। अगर आप इसकी फ्रंट लुक को देखेंगे तो आपको काफ़ी एग्रेसिव लगने वाली है, ट्रांसफॉर्मर्स टाइप लुक लगेगी, एक बीस्ट का चेहरा लगेगा जिसमें दो आँखें और एक मुंह है जो कि इसका प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। दोनों में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, दोनों LED ही हैं, लेकिन जो उसकी पायरेट हेडलैम्प्स है जो उसकी DRS MT-15 की, उसमें आपको थोड़ा बीस्ट वाली लुक मिलती है, यानी काफ़ी अच्छी वो लगती है अगर आप उसको कंपेयर करेंगे FGX से। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे FGX को, तो FGX लिखा मिल जाता है स्टिकर में, उसके नीचे 01 भी आपको मिल जाएगा स्टिकर में ही। और इसका जो अदर कलर आता है उसमें दोस्तों आपको 3D में लिखा मिलेगा FGX और वो काफ़ी स्लीक और सिंपल है, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्टिकर का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलिए बात करते हैं दोनों के फ्रंट प्रोफाइल की, दोनों के फ्रंट टायर्स की। तो यहाँ पे जो आपको फ्रंट टायर मिलता है आपके MT-15 में दोस्तों, वो आपको काफ़ी वाइड टायर मिलेगा। फ्रंट एंड रियर दोनों बाइक में लगभग अगर आप देखेंगे तो सेम से टायर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे टायर साइज़ ही सेम है, जो टायर की क्वालिटी है, जो टायर का पर्पज़ है वो आपको डिफरेंट मिलता है। तो MT-15 में दोस्तों आपको ऑरेंज कलर का अलॉय व्हील मिल जाएगा और अलॉय व्हील की डिज़ाइनिंग की बात करूँ तो तकरीबन सेम सा अलॉय व्हील आपको दोनों में मिलता है। अगर मैं फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 100x80 17 इंच का फ्रंट व्हील मिलेगा, जो कि एक ट्यूबलेस टायर है, 282 mm के डिस्क ब्रेक के साथ आता है। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा MT-15 के फ्रंट में ही आपको। दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं FGX की तरफ, तो FGX में जो आपको फ्रंट टायर मिलता है दोस्तों वो भी आपको सेम प्रोफाइल का मिलेगा, 100x80 17 इंच का, और यहाँ पे भी 282 mm की डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिलता है। जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया हुआ है और यहाँ पे एक फोर्क बूट का इस्तेमाल किया गया है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। एक डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि इसका जो अलॉय व्हील है वो आपको ब्लैक कलर में मिलेगा, यानी यहाँ पे ब्लैक कलर मिलता है, वहाँ पे आपको ऑरेंज मिलेगा। और रेयर टायर की बात करूँ तो यहाँ पे 140x60R17 का रेयर टायर मिल जाएगा, 220 mm के डिस्क ब्रेक के साथ आता है। जो यहाँ पे डिफरेंस टायर में मिलता है दोस्तों, आपको स्पोर्टी टायर मिलता है MT-15 में और वहीं ब्लॉक पैटर्न टायर मिलता है FGX में। ब्लॉक पैटर्न टायर ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं एक तरह से, ये डुअल पर्पज़ टायर्स होते हैं, डुअल पर्पज़ टायर यानी कि ऑफ रोडिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के साथ हाईवेज पे या वेट सर्फेस भी आपको ग्रिप अच्छी देती है। बाकी MT-15 के जो टायर्स हैं वो काफ़ी अच्छे टायर हैं, स्पोर्टी टायर्स हैं, वहाँ भी आपको कोई समस्या नहीं होगी, पर थोड़ा ज़्यादा अगर ऑफ रोडिंग आप देखेंगे तो आपको प्रीफर करना चाहिए FGX का ब्लॉक पैटर्न टायर।
पीछे अगर MT15 में देखेंगे तो यहाँ आपको जो टायर प्रोफाइल मिलती है 140x70R17 इंच का, इसमें भी आपको मिल जाता है 220mm की रेयर डिस्क मिल जाएगी। यहाँ पे जो एग्जॉस्ट इस्तेमाल किया गया है दोस्तों वो देख सकते हैं आप, ब्लैक कलर में है और सिल्वर कलर का इसके आगे का पोर्शन दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश यानी कार्बन फाइबर टेक्सचर इसके एग्जॉस्ट के शुरुआत में आपको नज़र आएगा। रेयर में देखेंगे तो यामाहा की ब्रांडिंग मिल जाएगी और जो ग्रैब रेल है वो नीचे की तरफ दिया हुआ है। सीट यहाँ पे सिंगल पीस सीट मिलती है, स्टेप अप सीट है, पर जो सीट की कुशनिंग है वो आपको काफ़ी कम मिलती है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे FGX से। जो टैंक है काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी स्पोर्टी, काफ़ी एजीज की टैंक लगती है। दूसरी तरफ जो आपके FGX की टैंक है दोस्तों वो आपको मेटालिक टैंक दी हुई है, जबकि MT15 की टैंक फाइबर में दी हुई है। जो फ्रंट मडगार्ड है FGX का वो भी मेटल का है, पर जो फ्रंट मडगार्ड है MT15 का वो आपका फाइबर का है। इसी के साथ हम बात करते हैं दोस्तों इसकी सीट क्वालिटी की FGX की, तो यहाँ पे टक एंड रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है इसकी सीट में और सीट बहुत ज़्यादा कुशन्ड है। अगर आप खासकर MT15 से कंपेयर करेंगे तो इसकी सीट बहुत ज़्यादा अच्छी है और बहुत आपको कम्फर्ट प्रोवाइड करेगी खासकर लॉन्ग जर्नीज पे। जो यहाँ पे फुटरेस्ट देख रहे हैं MT15 का वो आपको काफ़ी अग्रेसिव मिलता है। यहाँ पे बेस प्लेट आपको फाइबर की मिलेगी, दूसरी तरफ जो मेटल की बेस प्लेट है उसका इस्तेमाल FGX में किया गया है। तो नीचे प्रोटेक्शन, इंजन की बात करूँ तो मेटल की होने की वजह से FGX को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके फुट पे पोजीशनिंग की तो FGX काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको राइड प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एग्रेसिव स्टैंस नहीं है। आपके टूरर के हिसाब से बनाया गया है इसको लॉन्ग जर्नीज पे ले जाने के लिए, सैडलिंग आप इस पे आराम से कर पाएंगे और जो इसकी हैंडल बार की रीच है वो भी काफ़ी अपराइट है, तो वो आपको एग्रेसिव फील बिल्कुल नहीं देने वाली है। दूसरी तरफ MT15 फुल एग्रेसिव फील के साथ आती है। जो इसका हैंडल बार है दोस्तों वो उसकी रीच तो अच्छी है, R15 V3 जितना एग्रेसिव तो नहीं है, फिर भी आपको एग्रेसिव मिलती है। जो इसका फुट पेग है उसकी पोजीशनिंग थोड़ा ज़्यादा रेयर सेट है आपके R15 जैसा ही, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दोनों के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे 149cc का एयरकूल 4-स्ट्रोक SOSC 2-वेल्व इंजन मिलता है FGX में, जो कि मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की एट 7250 RPM। मैक्सिमम टॉर्क है 13.3 Nm का एट 5500 RPM। 5 स्पीड का यहाँ पे ट्रांसमिशन मिल जाएगा। MT15 की बात करूँ अगर मैं दोस्तों, तो MT15 में आपको जो इंजन मिलता है वो 155cc का मिलेगा, लिक्विड कूल्ड इंजन है, 4-स्ट्रोक SOSC 4-वेल्व इंजन है, मैक्सिमम पावर 18.5 PS एट 10,000 RPM, यानी हाई रेविंग इंजन है। हाई एंड परफॉर्मेंस VV टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन आपका टॉप एंड में वर्क करता है, तो टॉप एंड आपको ज़्यादा बेटर मिलेगी और पावर भी ज़्यादा बेटर मिलेगी MT15 में। और 13.9 Nm का टॉर्क दिया गया है एट 8500 RPM, 6 स्पीड के ट्रांसमिशन के साथ आता है। स्विच क्वालिटी की बात करूँ तो दोनों में स्विच क्वालिटी अच्छी मिलती है, अपर डिपर स्विच, पास स्विच, टर्न सिग्नल इंडिकेटर, LED DRS को कंट्रोल करने के लिए स्विच और हॉर्न स्विच लेफ्ट साइड में मिलेगी FGX में। और राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच मिल जाएगी और उसके नीचे इंजन स्टार्ट बटन मिलती है। जो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है दोस्तों वो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलेगा और यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी। आप इसको अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए, जो कि यामाहा का कनेक्ट ऐप आता है। दूसरी तरफ MT15 को देखेंगे तो यहाँ भी स्विच क्वालिटी, स्विच फिनिश काफ़ी बेहतरीन मिलेगी। तो जैसा कि आप इसमें नज़र डाल रहे हैं, इसकी पास स्विच, अपर डिपर स्विच, उसमें सेम ही आपको दोनों एक ही में दे दी गई है और उसी के नीचे टर्न सिग्नल इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच दिया हुआ है, हॉर्न स्विच थोड़ा पोजीशनिंग ऊपर कर दी गई है। इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ नहीं दी गई है। यहाँ पे एडेड फीचर है कि आपका RPM मीटर के साथ स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, फ्यूल वार्निंग के साथ एक और एडेड फीचर है, जो कि है इसका गियर पोजीशन इंडिकेटर, जो कि आपको FGX में नहीं मिलता है। राइट साइड में इंजन किल स्विच मिल जाएगी और उसके नीचे इंजन स्टार्ट बटन मिलती है। तो जो डायमेंशन आपको मिलती है FGX में वो है दोस्तों, लेंथ है 20mm की, विड्थ है 785mm की, हाइट है 1115mm की। वहीं MT15 की जो लेंथ है दोस्तों वो सेम ही है, यहाँ पे 20mm की लेंथ मिल जाएगी, विड्थ मिलेगी 800mm की, हाइट है 1070mm की, यानी विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, लेंथ बराबर है और हाइट थोड़ा छोटी है। अब हम बात करते हैं सीट हाइट की, तो दोनों में 810mm की सीट हाइट मिलती है। जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो MT15 में 170mm का मिलेगा और FGX में 165mm का मिलेगा। अब ये तो मैंने सारी टेक्निकल इसके स्पेसिफिकेशंस बता दिए। जो दोनों में फ्यूल टैंक आते हैं वो 10 लीटर के आते हैं, माइलेज जो देगी उसकी अगर मैं बात करूँ तो दोनों आपको 45 से 50 का माइलेज देगी। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या मिलता है।
किस पर्पज़ के लिए MT15 को बनाया गया है, किसको MT15 परचेज करनी चाहिए और किसको FGX परचेज करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है, अगर आपको एक नई रिफ्रेशिंग लुक चाहिए, रेट्रो लुक चाहिए, डिज़ाइनिंग चाहिए अच्छी, और उसी के साथ अगर आप टूरिंग के लिए स्पेशली यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे आपका जो पैच हो वो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग पैच भी हो और आपको जो पावर मिले वो डिसेंट सी मिले, तो आप बेशक बिना कुछ सोचे समझे FGX के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे प्राइसिंग दी गई है FGX की वो काफ़ी कम है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे MT15 से, क्योंकि यहाँ पे 1.17 लाख एक्सशोरूम प्राइस है, 1.43 लाख के आसपास इसकी ऑन रोड प्राइस है। दूसरी तरफ MT15 की जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है तकरीबन 1.44 लाख और इसकी ऑन रोड प्राइस है 1.69 लाख, यानी प्राइसिंग में ह्यूज डिफरेंस है। अब बात करते हैं MT15 को किसको परचेज करना चाहिए। तो MT15 एक स्ट्रीट स्पोर्ट्स नेकेड बाइक है, जिसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी बाइक चाहिए, एक अलग लुक चाहिए, एक अलग फील चाहिए, स्पोर्टीनेस चाहिए, पावर ज़्यादा चाहिए, टॉर्क ज़्यादा चाहिए, और उसी के साथ ही यहाँ पे जो आपको टॉप एंड मिलता है 6 गियर की वजह से और VVA की वजह से वो ज़्यादा बेटर मिलता है। यहाँ पे स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी दिया हुआ है, यानी ज़्यादा फीचर रिच बाइक आपकी MT15 है, ज़्यादा पावरफुल बाइक MT15 है, पर ये स्पोर्टी बाइक है, लॉन्ग जर्नीज के, लॉन्ग टूरिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीट क्वालिटी, सीट कंफर्ट आपको उतनी नहीं मिलती है जितना FGX में मिलती है। मेटल का इस्तेमाल FGX में आपको मिलेगा, चाहे इसका टैंक की बात कर लीजिए, चाहे इसके आप फ्रंट मडगार्ड की बात कर लीजिए या फिर बैस प्लेट की बात कर लीजिए। जो इसके टायर्स हैं उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, टायर आपका थोड़ा ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए FGX का टायर है। वैसे इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप देखते हैं तो जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है वो है प्राइसिंग का। अगर इस प्राइसिंग में आपको FGX चाहे भले ही जो पावर दे रही है वो 12.4 PS की दे रही है, तो अगर आप कम पैसा खर्च करना चाहते हैं तो FGX के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए, पावर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। लेंथ जो है सीट की, दोनों की दोस्तों सीट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल FGX में मिलती हैं और ज़्यादा कुशन भी मिलेगी, जो लेंथ है वो भी बड़ी है, तो आराम से आप दो लोगों को बैठा सकते हैं, लेडीज़ वगैरह को बैठाने में कोई समस्या नहीं होगी। बल्कि MT15 की सीट देखेंगे तो थोड़ा शॉर्टर सीट है, तो वहाँ पे ज़्यादा हेल्दी लोग, दो लोग बैठ जाते हैं तो थोड़ी समस्या हो सकती है भाई, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंसेस क्या है, किस पर्पज़ के लिए कौन सी बाइक बनी हुई है, तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाइक परचेज करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा।